दोस्तों मन में बहुत सारे सवाल होंगे। यमहा की MT125 काफ़ी दिनों से इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल है, इंडियन मार्केट में ये बाइक अवेलेबल नहीं है, ना तो इस बाइक को अभी तक लॉन्च किया गया है। पहला, दूसरा, सब अब ये सोचने लगे कि भैया MT125 को यमहा वालों ने अपडेट भी कर दिया, बट उसके बाद कब ये बाइक इंडियन मार्केट में आएगी, ऐसे बहुत सारे सवाल रहते हैं। सो आज के इस वीडियो में बात करने वाले यमहा की MT125 के बारे में। अब आप लोग बोलेंगे कि भाई आप फिर से इसकी वीडियो क्यों बना रहे हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी इस पे बहुत सारी वीडियो छाप चुकी है। आई एग्री, लेकिन दिन ब दिन जब कोई अपकमिंग बाइक रहती है तो उसको लेकर काफ़ी सारे अपडेट आते रहते हैं, तो उस अपडेट पर हमें काम करना पड़ता है। सो आज के इस वीडियो में यही बात करने वाले अपकमिंग यमहा MT125 के बारे में। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके एंड आप मेरी वीडियोस अपडेट रह सके। सो चलिए दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते बात करते अपकमिंग MT125 के बारे में। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस बाइक के भैया लॉन्च डेट के बारे में और प्राइस के बारे में, नहीं लॉन्च डेट के बारे में बात कर लेते हैं कि कब तक ये बाइक इंडियन मार्केट में आ सकती है। देखिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि इंटरनेशनल मार्केट में ये बाइक ऑलरेडी अवेलेबल है, बट इंडियन मार्केट में यमहा की तरफ से कोई भी ऑफिशियल प्लान तो नहीं है कि इस बाइक को इस डेट या इस मंथ में लॉन्च किया जा रहा है या इस ईयर में लॉन्च किया जा रहा है। बट बड़ी बड़ी न्यूज़ कंपनीज का कहना है कि आने वाले 2023 के मार्च महीने में इस बाइक को लॉन्च किया जा सकता है। इसका रीज़न ये है कि मार्च महीने में 2019 मार्च में ही MT15 को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया था और मार्च महीने में ही MT125 को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। ये तो हो गया बाइक का लॉन्च डेट। अब बात कर लेते हैं इस बाइक के बारे में। देखिए दोस्तों लुकिंग वाइज अगर बात करें तो MT15 और MT125 में आपको कोई भी फर्क नहीं देखने को मिलता है। इवन अगर आप दोनों बाइक को साथ में खड़ी कर दीजिए, प्लस दोनों बाइक का जो स्टिकर है वो हटा दीजिए कि ये लोगो है इनका 125 या 150 का, आपको यहाँ पे समझ भी नहीं आएगा कि ये 125 है या 150 cc। दोनों बाइक का जो लुक है वो पूरी तरीके से आपको सिमिलर देखने को मिलता है। बात करें सबसे पहले बाइक के फ्रंट लुक के बारे में प्लस फ्रंट लाइट्स के बारे में। फ्रंट में आप लोग देख पा रहे हैं कि बाइक में आपको छोटी छोटी LED डियरल लाइट देखने को मिलती है, विच इज़ वेरी शार्प, काफ़ी अच्छी लगती है। मेन लाइट में आपको बाइक में सिंगल LED प्रोजेक्टर लाइट देखने को मिलती है, छोटी सी लाइट है बट छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, क्योंकि इसकी जो फोकसिंग क्वालिटी है वो आपको काफ़ी बेहतर देखने को मिलेगी। नो डाउट बाइक की जो लाइट्स है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। बात कर लें फ्रंट सस्पेंशन के बारे में, तो MT125 में वही सस्पेंशन आने वाले जो कि हमारे यहाँ की MT15 में आते हैं, जो कि आप लोग जानते भी होंगे, वो है दोस्तों अपसाइड डाउन सस्पेंशन गोल्डन कलर, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे सस्पेंशन और बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। बात कर लें फ्रंट ब्रेकिंग के बारे में, तो इस बाइक में आपको सिंगल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। ऑब्वियस ही बात है MT15 में ही जब सिंगल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम आता है तो भाई यहाँ मुझे नहीं लगता कि MT125 में यहाँ डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम देगा, इसके तो बहुत कम ही चांसेस है। बाकी आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है। टायर साइज के बारे में बात करें, ब्रेकिंग प्लेट 282 mm की रहेगी प्लेट साइज, और टायर साइज फ्रंट में आपको 180 वाले जो टायर है वो देखने को मिलने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इंजन के बारे में। दोस्तों MT125 में इंजन टाइप में 124 cc का लिक्विड कूल 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर SOSA इंजन जो है हमें इस बाइक में देखने को मिलेगा। ध्यान रखिए दोस्तों इस बाइक में जो इंजन मिल रहा है वो बहुत ही बेहतर है, क्योंकि ये VVA टेक्नोलॉजी के साथ में आएगा। इस बाइक में आपको 14.7 के आसपास का PS पावर देखने को मिलेगा 10,000 RPM पे एंड 11.5 के आसपास का नेट इंजन टॉर्क देखने को मिलेगा 8,000 RPM पे। मतलब बाइक में आपको पावर एंड जो टॉर्क है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। 125 सेगमेंट में काफ़ी अच्छी पावर ये बाइक प्रोड्यूस करती है। KTM ड्यूक 125 के बाद दूसरी ऐसी बाइक होगी जिसमें आपको इतनी ज़्यादा पावर मिलेगी। कूलिंग सिस्टम में लिक्विड कूल इंजन आता है इस बाइक में। नंबर ऑफ 6 स्पीड गियर बॉक्स भी आपको बाइक में मिलेंगे। 125 सेगमेंट में नंबर ऑफ 6 स्पीड गियर्स होना ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है अपने ही आप पे। तो ये कुछ सारी चीज़ें आपको इंजन में मिलती है। माइलेज एंड टॉप स्पीड के बारे में बात करें तो ये बाइक माइलेज अराउंड 47 के आसपास का माइलेज ऐसा यहाँ क्लेम करता है, बट अराउंड 45-50 के आसपास का माइलेज निकालेगी। 0-100 में इस बाइक को लगभग 14 सेकंड के आसपास के लगते हैं। टॉप स्पीड अराउंड 120-130 किलोमीटर पर आवर के आसपास की जो टॉप स्पीड है वो बाइक इजीली निकाल कर दे देती है। बात कर ले दोस्तों रियर में, तो रियर में आप लोगों को बाइक में जो टायर साइज मिलेंगे वो सेम मिलेंगे। जी हाँ, इस बाइक में आपको 140-70 वाले टायर सेक्शन के टायर साइज देखने को मिलते हैं। प्लस रियर में आपको बाइक में 220 mm की जो प्लेट्स है वो देखने को मिलेगी, यानी कि डिस्क प्लेट। प्लस आपको बाइक में रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलेंगे, जो कि बाइक के जो सस्पेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा
बेहतर है। बात कर ले दोस्तों इस बाइक के स्पीडोमीटर के बारे में। अब स्पीडोमीटर में आपको बता दूं, यामा ने अभी कुछ 15 दिन पहले इस बाइक में अपडेट लाया कि अब आप लोगों को बाइक में TFT डिस्प्ले देखने को मिलेगा। पहले अभी कुछ दिन पहले तक इस बाइक में फुली डिजिटल मीटर मिलता था, बट यामा ने फाइनली इसमें TFT डिस्प्ले यूज़ किया है, जिसमें आप लोगों को सबसे ज़्यादा जो हाईलाइट फीचर किया जा रहा है वो किया जा रहा है मोबाइल कनेक्टिविटी। जी हाँ, आपको अब इस बाइक में मोबाइल कनेक्टिविटी भी देखने को मिलेगी, जिससे बाइक का जो फीचर्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है और स्पीडोमीटर में आपको सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। बाकी आप लोग बताना कि आप लोगों को इसका नया स्पीडोमीटर कैसा लगा। ये सारी चीज़ें हो गई। प्राइस के बारे में बात करें तो ये हमारे जब आएगी तो इसका जो प्राइस रहेगा अराउंड मेरे हिसाब से 1,20,000 से 1,30,000, 1,20,000 से 1,30,000 रुपये के आसपास की बाइक आपको एक्सरूम प्राइस देखने को मिल सकती है। बाकी ये 1,50 के आसपास ऑन रोड रहेगी तो बाइक की सेलिंग काफ़ी तगड़ी रहेगी। अब कौन कौन इस बाइक का वेट कर रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम।